ब्रह्मानी माता मंदिर दर्शन करके नीचे आ गए हैं एंड हमने यहाँ पर काफ़ी सर्च आउट किया और हमने यहाँ पर रूम लिया है महादेव होटल में। यहाँ पर हमने दो रूम लिए हैं, हमारे 12 लोग थे तो 4 लोग हमारे चले गए ऊपर, तो हमने सुबह जाना है हेलीकॉप्टर से, तो हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि यहाँ से बिल्कुल हेलीपैड बिल्कुल पास में है। जैसे आप लोगों ने हमारी वैष्णो देवी वीडियो को बड़ा प्यार दिया है, हमारे 1.3 मिलियन व्यू अभी हो चुके हैं, अभी वो बढ़ते जा रहे हैं, वैसे हम आपको सेम मणिमहेश की यात्रा हेलीकॉप्टर से दिखाएंगे। एंड दोस्तों मतलब रूम यहाँ पे अच्छे हैं, ना ज़्यादा बुरे हैं तो ना ही ज़्यादा मतलब एवरेज रूम बोल सकते हो आप। उन्होंने हमें टॉवल वगैरह प्रोवाइड कर दी, एमिनिटीज इनके पास ज़्यादा नहीं रहती, सिंपल सोप एंड टॉवल दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस में तो ऐसे ही रहेगा, बाकी देखते हैं। अभी हम चौरासी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। ये वाली जो रोड है ये चौरासी मंदिर वाली रोड है, ये पूरी मार्केट बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ATM है, यहाँ से हम थोड़ी पैसे निकलवा रहे हैं। हेलो, दोस्तों अभी हम चौरासी मंदिर में आए हैं, मेरे साथ ये सारे लोग आए हुए हैं। ये पीछे मंदिर है, यहाँ पर मतलब 10 बज गए हैं लेकिन पूरा रश है यहाँ पर अभी तक। दोस्तों अभी हम चौरासी मंदिर में आए हैं, थोड़ा सा मंदिर के बारे में जानते हैं पंडित जी से, आइए। भोले शंकर हर हर महादेव का मंदिर है, हर हर महादेव का मंदिर है, ठीक है। ये 7वीं शताब्दी में बना है, राजा वीर वर्मा के राज्यकाल में, ठीक है जी। इससे पहले जो था, पहले यहाँ पर माता ब्रह्मणी का वास था, ठीक है, माता ब्रह्मणी यहाँ पर रहती थी और श्री भोले शंकर जो थे वो कैलाश में रहते थे। शिव शंकर ने कैलाश में पार्वती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया है, इसीलिए ज़्यादा मान्यता जो है वो कैलाश में उनके उसकी वजह से ही वो आकर्षण जितना भी है वो उनकी वजह से लोगों का आना जाना होता था मणिमहेश में कैलाश के लिए, लेकिन यहाँ कोई भी रात्रि का समय नहीं रुकता था, दिन दिन में आकर के चले जाते थे, सिर्फ माता ब्रह्मणी यहाँ रहती थी। एक बार भोले शंकर अपने दल के साथ यहाँ पहुँची तो जब माता ब्रह्मणी उग्र हो गुस्से में आ गई कि भी रात के समय यहाँ रुकने के लिए किसी के लिए नहीं है, तो वो जो संत थे उनको श्राप देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन भोले शंकर जो उनके सरगना थे, जो लीडर थे भोले शंकर थे, जब वो सामने आ गए तो माता
ब्रह्माणी ने देख लिया कि भोला शंकर जो है वो रात है, फिर उन्होंने बोला भोलेनाथ बोले ये तो अच्छा नहीं है कि भाई यहाँ तो किसी के लिए रात्रि को मैं एक औरत हूँ पर किसी को रुकने के लिए वो नहीं है, अनुमति नहीं है। तो वो ऐसा बोल करके स्वाएँ जो थी वो वहाँ से यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर जो है वो सहार नाम की जगह है, सहार बोलते हैं उसको, वहाँ पर जा करके वो वास करने लगे। लेकिन भोलेनाथ ने उनको बोला कि भाई आपकी मान्यता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी पूजा उतनी ही होगी उतनी आपको पूजा जाएगा, अगर हमारी यात्रा भी चलेगी तो आपसे होकर के ही जाएगी, और पहले आपके पास आएंगे फिर हमारे पास। शुक्रिया पंडित जी। दोस्तों यहाँ के पंडितों ने हमें सारी स्टोरी बताई मंदिर की, क्या हिस्ट्री है। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं अंदर। वाणी शिप चली गई है लेकिन उनके चरण मतलब यहाँ पर जो है एक निशान निशान है, बैक साइड में जो लखना माता का मंदिर है उसी के बगल में है, जो एक चोला जैसा पहना कर रखा है, त्रिशूल रखा हुआ है, वो माता भरवाणी का मंदिर है, माता भरवाणी का मंदिर है। यहाँ से चिन्ह मान करके उनका जो चिन्ह मान पूजा 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 की जाती है। हाँ ठीक है, जो लोग ऊपर नहीं जाते वो यहीं से करते हैं। तो ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी मंदिर की। दोस्तों अभी हम आए नंदी जी के मंदिर में, ये 84 मंदिर के बिल्कुल सामने है, यहाँ पर आप नंदी जी के कान में जो भी बोलते हो वो आपकी मनोकामना पूरी करती है। देखिए मंदिर के दर्शन करिए।